नेता लोग और कार्यकर्ता बंधु और मेरे यहाँ बैठे हुए सब माताएं बहने, आपको मैं प्रणाम करना चाहती हूँ। इतनी जोरदार संख्या में आप लोग सब आई हो, आप जब भी ऐसी दिखती हो तो मुझे वैसे ही ऊर्जा पैदा हो जाती है। आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और इधर बैठे हुए सब मेरे भाई और बुजुर्ग हैं, आप लोग सबको भी बहुत ज्यादा प्रणाम करना चाहती हूँ। आप लोगों ने भी बहुत प्यार से हम सबका स्वागत किया है, उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं तो आप लोगों के बीच में सिर्फ दो या तीन चीज कहने आई। रस्ते भर जाकर मैं घूमते हुए आ रही हूँ, मैंने देखा कि दो बहुत बड़े विषय हैं जो आप लोगों के सामने रखे। सबसे पहले आपकी बिजली का विषय और दूसरा आपके पानी का विषय। जो मैंने देखा है कि पेयजल की आपूर्ति शायद 30 या 35 मिनट दिन में आपके यहाँ होती है, क्योंकि बिजली खत्म हो जाती है। बिजली आती नहीं है, इसकी वजह से पानी भी नहीं आता है आप लोगों का। और जो पानी आता है वो खारा होता है, कहीं कहीं फ्लोराइड होता है और लोग उससे बहुत ही दुखी है। क्या ये सच बात है? पानी के आज ये बहुत बड़ा संकट है और ये आप ही की जगह के नहीं, मैंने चार अभी तक संभाग किए हैं और चारों संभाग के अंदर हर एक जगह पे जहाँ मीटिंग हुई थी वहाँ किसी तरीके से लोगों ने मिलकर कहा कि हमारे पानी का कोई भी जो भी हमारे उसको सुलझा देता है उसके सामने तो हम लोग सब नतमस्तक हो जाएंगे। और मैं माताएं बहने आपको कहना चाहती हूँ कि 55 साल के बाद अगर हमारी ये स्थिति है, क्योंकि हमने एक ही पार्टी को राज दिया है, 65 साल का राज रहा जो आप लोकतंत्र का राज, उसमें से हमको आप निकाल दीजिए तो 5 साल और भैरव सिंह जी को निकाल दीजिए तो 7 साल, ये 12 साल हटा के 53 साल अपन ने कांग्रेस को दिया। और उधर देख लीजिए गुजरात के अंदर 15 साल के अंदर नरेंद्र मोदी ने क्या नहीं कर दिया। उधर आपके मध्य प्रदेश के अंदर वहां के मुख्यमंत्री ने कायापलट कर दी है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 10 साल और 15 साल के अंदर ये लोग इतना कर सकते थे तो हम लोग क्या 53 साल में सुराज नहीं ला सकते थे? राजस्थान के अंदर सुराज लाना क्या इतना मुश्किल था? अगर 5 साल में माताएं रहे, मैं आप लोगों को 24 घंटे घरेलू बिजली जाते जाते दे सकती थी तो क्या ये 53 साल में आप लोगों को 24 घंटे बिजली नहीं दे सकते? आप लोगों को घर में और खेत में क्यों नहीं दे पाए बिजली, ये किसी ने पूछा है आज तक? कोई मेरे को ये बता दे कि आप लोगों को जिस तरीके से बिजली मिल रही है माताएं बहने आप लोग सबको, वो जो आपका ट्रांसफॉर्मर होता है अगर वो ठुक जाता है तो कहां हम 72 घंटे में 5 साल के अंदर आपको देते हैं। और अब जिस तरीके से 53 साल से होता आ रहा है वैसे ही 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना और बिना रिश्वत के आपके पास ट्रांसफॉर्मर नहीं आया। मेरे को लोगों से पूछा 5,000, उन्होंने कहा मैडम 25,000 देना पड़ता है तब ये वापस आता है, क्या ये सही है? रिश्वत देना पड़ता है। और नहीं मेरे को ये कह दिया कि ये VCR नाम की चीज क्या है, ये VCR ही है जो करंट मार रहा है, इसकी वजह से लोगों के बीच में जा जाके उनके गलत VCR बना बना के लोगों को ऐसे लंबे चौड़े बिल पकड़ाए जा रहे हैं, इतनी जोरदार पेनल्टी लगाई जा रही है कि उससे सब लोग दुखी है, क्या ये भी सही है? हमने उनको सब दूर ये कह दिया है कि जो अधिकारी गण ने इस तरीके का काम किया है उसकी जांच होगी, आगे करके सरकार अपनी बनेगी तो उसकी जांच होगी, और उसकी जांच होने के बाद अगर वो गिनती पाया गया तो जिस जनता से उन्होंने पैसे लिए थे वो पैसे वापस उस जनता को देने का काम हम लोग करेंगे। ये मैंने सबको कह दिया है और माता देने मैंने ये सबको कह दिया है कि 24 घंटे बिजली घरेलू जिस तरीके से मैंने 2008 में जाते जाते आपको दिया था वैसे फिर से आप लोगों को 24 घंटे बिजली देने का काम हम लोग आने वाले समय के अंदर करेंगे, हमारी सरकार बचती है तो ये भी आप नोट कर लीजिए। ये तो सुराज के बिल्कुल मूलभूत सुविधाएं हैं। मैं समझती हूँ कि अगर बिजली पानी सड़क नहीं है तो क्या है? मैंने अभी अभी आपके गांव के बाहर डूंगरगढ़ से जब मैं निकल रही थी बीकानेर से तो आखिरी गांव में भी मैंने यही पहुंचा, उनके डॉक्टर नहीं है आपके भी नहीं है, उनके टीचर नहीं है आपके में भी नहीं है। पहली सरकार है जिसने स्कूल खोले नहीं, स्कूल बंद करवाए। पहली दफा मैं सुन रही हूँ कि जो भी सरकार आती है वो तो नए स्कूल खोलती है, या तो समानीकरण के नाम से आपने नए स्कूलों को बंद कर दिया। और हमने क्यों खोला था वो स्कूल? हमने चला के खोले थे कि गाड़ी इतने दूर है, उन गाड़ियों के अंदर बच्चे पढ़ है, उनको पढ़ाई नहीं मिलती, दूर मैंने 20-20 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर दूर आना पड़ता है, तो वही खोल दो, छोटे स्कूल होंगे, 100 लोग 200 लोग होंगे 400 लोग होंगे, बच्चों को
बता दो, ये सोच करके हमने वो स्कूल खोले। और ये सरकार टीचर नहीं देती है, समाजीकरण के नाम पे स्कूल बंद कर देती है। जहाँ स्कूल है वहाँ टीचर नहीं है, वहाँ टीचर है वहाँ स्कूल नहीं है। ऐसी तरीके से डॉक्टर का हाल, यहाँ हमें बताते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम सब कुछ करते हैं, जहाँ मैं गई हूँ मुझे महिला चिकित्सक मिली नहीं, महिला रोग की डॉक्टर कहीं नहीं मिली है। आपके यहाँ है क्या? आपके यहाँ भी नहीं, मैं सब दूर पूछते पूछते आ रही हूँ, कहीं भी नहीं है। और महिला की बात करेंगे और सबसे पहले जो चीज है महिलाओं को चाहिए वो नहीं, ये सब दूर है। मैं पूछती हूँ अगर डॉक्टर नहीं, आपका अस्पताल नहीं, आपका स्कूल नहीं, उसका टीचर नहीं, आपका रोड नहीं, अंदर के रोड सब जर्जर है, आपके हालत कैसी है रोड की? रोड की बाहर की तो आपका जो नेशनल हाईवे वो तो चल रहा है, और मैं जिस रोड पे अभी जाऊंगी वो हमारा मेगा हाईवे है, उस पे जब चलते हो तो याद तो आती होगी, हमारी याद आती है कि नहीं आती है? तो याद आती है कि मेगा हाईवे तब का बना हुआ और आज तक आपके आराम से आज उस रास्ते पे आप चल रहे हो। मैं तो यहाँ देख रही हूँ कि जहाँ इस सरकार ने सड़क बनाई है तो आगे आगे तो सड़क बनती है, पीछे पीछे तो उगलती उगलती चली आती है। और लोगों ने मेरे को कहा, लोग कह रहे हैं कि साहब इसको मत देखिए, ये लग रहा है नया नया पानी पड़ने वाला है, आप देख लीजिए कि जो है वो सब पूरा रोड उखड़ जाएगा। ये हमारे 5 साल के अंदर नहीं आया, और आपने देखा कि कितने सारे रोड बने, कितना सारा काम हुआ, पानी का इंतजाम हुआ, बिजली का इंतजाम हुआ, सब दूर। अगर हम लोग 5 साल में ये काम कर सकते थे तो ये 53 साल और ये 4.5 साल में क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे मुझे समझ में नहीं आता। हमारे बच्चे चिल्ला चिल्ला के हमको कहते हैं कि रोजगार का हमें इंतजाम करें। हमने अगर हमारे 5 साल के अंदर 10 लाख बच्चों का इंतजाम कर दिया रोजगार का, तो अभी ये 4.5 साल के अंदर हमारे बच्चों का रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे हैं? मैं पूछा, आपके यहाँ कोई है जिसको रोजगार मिला है? है कोई? ये बताओ मेरे को, जयपुर के अंदर मेरे को बहुत सुनने को मिलता है कि रोजगार के अंदर हमने तो बहुत रोजगार दिया और अब हम फिर खेलने वाले हैं और फिर हम रोजगार देंगे। ये टेट का एग्जाम सब लोगों को मुश्किल में डाल रहा है। मैं सब दूर पता किया, उन्होंने कहा जब तक ये टेट का एग्जाम है तब तक कोई किसी को नौकरी मिलने वाली नहीं है। मैं कह दिया ये टेट का एग्जाम पहले भी नहीं था, आगे भी रखने की इसकी जरूरत नहीं है। मैं मानती हूँ कि टेट के एग्जाम को अपने को हटा देना चाहिए और हमारे बच्चों को रोजगार का इंतजाम करने का पूरा करने जा रहे हैं। मैं विश्वास करती हूँ आगे आगे आपके आगे नहीं आई। मुझे समझ में नहीं आता, मुझे लगता ये है कि हमें नौकरी किसी को देना नहीं है तो टेट लगा के बीएड वालों को हटा दिया, और ये 10 वाले जो है जिनको हम नौकरी देना चाहते हैं ये जान के हमने कह दिया क्योंकि इनके खिलाफ केस होंगे, इनको कोर्ट में लिया जाएगा, तो ना इनको मिलेगा ना इनको मिलेगा, और हमें नौकरी देने को जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आराम से ऐसे बैठे रहेंगे। ये इंतजाम हम लोगों ने सबके लिए किया है। तो हमारे बच्चे वो बिल्कुल यहां से बाहर जाना पड़ता है, रस्ते पे घूम रहे हैं, किन्हीं को नौकरी नहीं मिल रही है। हमारी माताएं बहनें पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, आज सड़क पे नहीं चल सकती है। हमारी बच्ची अगर स्कूल में जाती है पढ़ने के लिए तो दिल धड़कता है कि वो घर वापस सही सलामत लौटेगी कि नहीं। ये तो आज हमारी सुरक्षा की हालत, हमारे किसानों की हालत है, ना बिजली ना पानी ना खाद ना बीज ना मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये कुछ भी नहीं है उनके लिए। और सरकार कहती है कि हमको तो आना 4 महीने बचे हैं, आप लोगों के बीच में रेवड़ी बांट रही है, आपको क्या चाहिए मांगो तो सही, जो भी मांगोगे उसमें ये सरकार आपको हाँ कह देगी। परंतु मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर ये 4 महीने में इतना पैसा उसके पास था तो ये 4.5 साल में ये पैसे क्यों नहीं खर्च किए? और ये काम अगर हमको करके बता देती तो मैं समझती हूँ कि हम आज उनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। परंतु जिस सरकार ने 4.5 साल हमारा काम ही नहीं किया, वो क्या समझती है कि हम 3-4 महीने के लिए उनके ऊपर विश्वास करेंगे? कैसे करेंगे विश्वास जब हमने 53 साल उन लोगों का देख लिया है? और दूसरी बात भाइयों, मैं सबको कहना चाहती हूँ, एक दूसरे के बीच में अगर अविश्वास होता है, अगर एक दूसरे के बीच में हम लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, अगर एक दूसरे के बीच जातियों के और मजहब के झगड़े होते हैं तो राजस्थान आगे नहीं बढ़ सकता। आज अगर हम गड्ढे में पड़े हैं तो हम इसी वजह से पड़े हैं क्योंकि हम लोग एक नहीं हो सके। भारतीय जनता पार्टी आपको सबको ये कहती है कि पानी तो सब पिएंगे, बिजली सबको मिलेगी, रास्ता सबके लिए होगा। अब अगर ये है तो सब पूरे के पूरे लोग एक परिवार के रूप में चलेंगे तो राजस्थान आगे बढ़ेगा, एक विकसित नया राजस्थान जिसको देखने के लिए दूर के लोग यहाँ आए। मैं
आपको ज्यादा कुछ नहीं, मैं जानती हूँ कि यहाँ सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बस इतना एक और शब्द आपके कान में कहते जाऊंगी कि राजस्थान के अंदर जो आज भ्रष्टाचार हो रहा है, इसी ने हम लोग सबको तबाह करके छोड़ दिया। क्या ये सही है कि नहीं? आप लोगों के नाम से एक रुपए किलो के हिसाब से गेहूं काटा जा रहा है, किसी को मिल रहा है क्या? किसी को मिला? आप लोगों के नाम से बीपीएल के नाम से 50,000 रुपए एक कमरे के लिए लोगों को दिया जा रहा है, किसी को मिला? और अगर मिला तो उसको एक किश्त मिला, ऐसा भी मैंने देखा, एक किश्त उसको मिला। 125 परिवार थे, उनको एक किश्त मिला, उन्होंने अपना मकान तोड़ा, दूसरा किश्त नहीं मिला। आज उनको पैसा देके कहीं और रहना पड़ रहा है, बरसात आ रही है, सड़क के ऊपर बेचारे बैठे हुए हैं, ये आज उनकी हालत है। तो कैसी सरकार जब इस तरीके से आप लोगों को दुखी करके छोड़ती है? बताओ मुझे, कहीं मुफ्त दवाई किसी को मिल रही है? किसी को मुफ्त जांच हो रही है? हमारे किसान भाई आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोगों का पाला पड़ा था, ओले पड़े थे, किसी को मुआवजा मिला? यहाँ तो जयपुर में तो बोला कि बहुत जोरदार मुआवजा आप लोगों को मिला, बोला किसी को? किसी को नहीं मिला। भ्रष्टाचार जोरों से हो रहा है, होटल बन रहे हैं, जमीन बिक रही है, ये सब लोग सबको सुनने को मिल रहा है। और साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन हो गई है मुझे बताओ। जयपुर का नाम हो गया है आपके साथ साथ चैन खींचने के लिए। सबसे ज्यादा चैन कहां खींचती है? तो जयपुर में, देश के, और मैं सुनती हूँ कि प्रदेश में, आपके यहाँ। क्या ये सही है? अब बताओ, जो खुद डीजी साहब है उनके ही रिश्तेदार का मर्डर हो जाता है इस प्रदेश के अंदर, तो बचा क्या है? उनके यहाँ वो खुद अपने लोगों को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, क्या राजस्थान के लोगों को सुरक्षित रख सकेंगे? तो नहीं। तो भाइयों, यह समय आ गया, आज हम लोग बैठे, ये चुनाव का टाइम नहीं, अभी भी 6 महीने है, परंतु मैं सब लोगों के बीच में जाके सबको आगाह कर रही हूँ, यह बहुत हो गया, अब समय आ गया कि हम लोग एक नए राजस्थान अपने हाथों से बनाएंगे। हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम लोग मिलकर एक परिवार के रूप में ऐसी जस्टिस खड़ी करेंगे राजस्थान के अंदर, जिसमें हम राज करेंगे, हम लोग अपनी आवाज को आगे बुलंद करके ले जाने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से जब सरकार बनी थी तो मैंने आप लोगों को कहा था कि आज हम राज करने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आप लोगों के बीच में खड़े हैं। तो आओ हम लोग सब मिले और सब लोग एक परिवार के रूप में मिले और सब लोग सब मजहब को साथ लेके चले और राजस्थान के अंदर ये तय कर ले कि हम लोग एक ऐसा नया राजस्थान बनाएंगे जिसमें से हमारे लोगों को पलायन करने की जरूरत नहीं होगी। बाहर के लोग हमारे राजस्थान को देखने के लिए आएंगे। एक ऐसा राजस्थान बने, एक स्वाभिमानी राजस्थान बने, एक इज्जतदार राजस्थान बने, ऐसा राजस्थान बनाने की तैयारी है क्या? है क्या? अगर है तो ये आपको धमकाएंगे, डराएंगे, करोगे? हिम्मत है? अगर हिम्मत है और अगर तैयारी है तो मैं आप लोग सबको ये कह देती हूँ कि आज पास की जगह के अंदर फैल जाओ और ये तय कर लो अपनी बैठक कर करके कि हम लोगों को अब इस बार राजस्थान के अंदर कांग्रेस को नहीं लाना है, हमको ऐसे लोगों को नहीं लाना है जिन्होंने परिवार के नाम पे, जिन्होंने राजस्थान के नाम पे हम लोग सबको बांट के और हमारे इज्जत और स्वाभिमान का चूर चूर करके रख दिया है। हमारे राजस्थान की इज्जत को हम बना के रखेंगे। इस विश्वास के साथ हम अपने राजस्थान को बनाने के लिए खुद चल पड़े, यही विश्वास के साथ मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ। मुझे तो आपका विश्वास है क्योंकि एक ऐसा परिवार है जिसने मुझे और हमारे पार्टी को बहुत प्यार दिया। आप लोगों ने बार बार चुनरी पहना पहना के विश्वास जताया और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि कहीं तो मैं बहू हूँ, कहीं मैं बेटी और कहीं मैं आजकल समृद्धि हूँ। और मैं सब लोगों को ये कह रही हूँ कि अगर बेटे और होते तो मैं औरों को भी जोड़ लेती हूँ, तो बहुत ही अच्छा होता कि अच्छा बड़ा परिवार हो जाता। आप लोग सब मिलके चले और ऐसे ही प्यार देते रहे, इतना विश्वास करके मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। और जो एक जोरदार नारा मेरे साथ देंगे आप लोग, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। याद रखना, भ्रष्टाचारियों को जो लोग उंगली दिखाते हैं दूसरे की तरफ, तो उसको ये याद रखनी चाहिए कि अगर एक उंगली उधर है तो चार उंगली पीछे भी जा रही है। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान को लूटा है और लूट रही है,
ऐसे भ्रष्टाचारियों को इस भूमि के ऊपर फिर से सरकार बनाने का हक नहीं है, उनको उस कुर्सी से उठा के नीचे पटकने का काम हम लोग मिलकर करेंगे। इसलिए जोरदार नारा, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। आप लोग सबको बहुत सारा प्यार मैं देना चाहूंगी, बहुत सारा प्यार, और इतना विश्वास करके जाऊंगी ऐसा सुंदर राजस्थान बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें हम सबका काम हो जाए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। माताएं बहनें, आप लोगों को तो सबसे ज्यादा, मेरी तो मैंने कहा ना दो ही जातें हैं, एक तो एक पुरुष जात और एक महिला जात, मेरी पुत्री जाके आगे बैठती है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।